दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आय अखार 15 गते धान दिवस, अपना सबके गभलग्गी सेहो कहै छी। आय के दिन से रोपाई शुरू होइ छै विधिवत। यद्यपि अखार 15 तराई मधेश के किसान सब के लेल उ दिन भ गेल छै जै दिन तक न बिया तैयार भेल रहै छै, न हाल जकरा कहै छै हमरा सब पानि पेर के हाल नै रहै छै भेल। तो ई अखार 15 धान दिवस तो मनाओल जाए छे, पहाड़ में सिंचाई के वा कहीं पानी के समय में बरसातों भ जाए छे, तहु किसिम से एक धान दिवस समय में अखार 15 में एक सान्दर्भिक होइ छे। लेकिन तराई मधेश में कहबे तो आब के रोपनी होइ छे सावन में, फर्स्ट वीक भादो तक रोपनी चल जाए छे। कतेक सान्दर्भिक छे तराई मधेश के लिए अखार 15 अर्थात धान दिवस। तेकर बाद आय के दिन चूरा दही खाए के दिन सेहो छे। तो एहि बेर के धान उत्पादन, धान में हम अहाँ सब आत्मनिर्भर किया नहीं भ रहा है, किएक तऽ एक समय रहे जखन ई तराई मधेश वा कहीं प्रदेश नंबर 2 इंडिया में धान बेचे। हमरा अहाँ सबके याद हैत, हमरा अहाँ सबके बाबा पुरखा सब बासोपट्टी में जाकर धान बेचत छलखिन, चाउर बेचत छलखिन। लेकिन आज जे अवस्था छे अपना सब बिहार से भारत से कतरनी चाउर लाइव के ए प्रदेश नंबर 2 चला रहल छे। यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक अतिथि छथि शंकर प्रसाद शाहजी, कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा के प्रमुख छथि, हिनका संगे बातचीत करब। स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरू करै छी सर, आई अखार 15 धान दिवस कहै छी हम अहाँ सब, लेकिन तराई मधेश के जे किसान सब के लेल कहबे तो एकरा धान दिवस केना कहबे, किएक तऽ एकटा खेत में अहाँ पानि पटा देलिए, मंत्री के बोला लेलिए, है ना, रोपाई कर देलिए, चूरा दही खा लेलिए, तऽ धान दिवस केना भ जेतै। एखन देखियौ तऽ हमरा बुझाए रोपनियो शुरू नहि भेल छै, आ रोपनी शुरू करय के आधारे नहि छै, पानि नहि छै, मल नहि छै, बिया नहि छै, तऽ केना कहबै धान दिवस। बहुत सही बात कहै छी। वास्तवमे ने ई बात जे कहलियै तऽ एहिमे कोइ दुमत ना है, लेकिन रहि की गेलै जगेबी केना कऽ। ई धान दिवस के मतलब है अहीं के अहूँ कहलियै शुरुआते में कि आइसँ गभलग्गी, मतलब सरकार भी चाहै छै जनता के ध्यान आकर्षण, जनता के साथ चली, बदलिदो युग है, युग परिवर्तन भेल है। अब परिवर्तन समय में सब कोई के देखियो ना उत्साह घट रहा है, सभे कोई के चाहना है कि कैश फलावे, धान अन्न फलावा सब बेटी, लेकिन खेब अन्न आ फरेबे कैश, उल्टा भ रहा है। तै लक मतलब कि कतौ से कैश लेबे तब किन के खेबे, सोचाई जा रहा है युग के जमाना के वही ओर, जे कि हमरा अहाँ के समाज के लागी, राष्ट्र के लागी घातक होते, के लागी जखने सब चीज अहाँ मांग के खाओ से खाओ, जब पेट आत्मनिर्भर नहीं भेले ने तो बहुत मुश्किल होते। अपना संसद देश के लागी और के लागी की होते से तो समय बताते ओकरा सब बुझ के, लेकिन अपना संसद देश के लागी ई आवश्यक है। तै लेल सरकार के ध्यान है कि आब समय आब गेलै धान रोप के, आइ अखार 15 भ गेलै, चलै चलू खेत, विलम्ब नहीं करू, विलम्ब नहीं करू, धान लगाओ, यह अपन जीवन के आधार। अ लागि कि अपना सब के प्रकृति जे देने है धरती, वो अनमोल रत्न है, ई अही अनमोल रत्न के प्रयोग क के अपना सब के बाबा पुरखा कहियो, सबके बाबूजी सब पूरा जीवन निर्वाह करै छलै, समाज सेवा करै छलै, इनार पोखरी निर्माण करै छलै, पानि कुलो सब निर्माण कर दै छलै अपना अपना लगानी से, जहिया राज्य के लगानी कुछ नहीं होइ छलै, और तखनो भी एहिठिमा के समाज से उत्पादन क के निर्यात करै छलै, जे अहूँ कहलिए बासोपट्टे जाइ छलै, संसार के पाँचमा धान चावल निर्यातक देश रह चुकल है नेपाल। नेपाल उ कब तक ल 1970 के दशक तक ल, तो ओतेक बड़का पोजिशन में अपना खा के भूखले रह के तो नहीं कोई बेचे है, खा के तब बेची छलै, और आइ अखन उल्टा युग आबि गेलै। कथी लागि तऽ हमरा अहाँ के युवा पीढ़ी जे है ओकर ध्यान घटि रहल है, ओकर चासो थाल में जाब केना आ गोबर छुअब केना, अइ में से चासो घटि रहल है। तऽ तै के लक राज्य के आकर्षण है कि अखार 15 आबि गेलै, अपन ई प्रकृति के संपत्ति है, अपना के अर्थव्यवस्था भी कहबै तऽ अही पर टिकल छै, तऽ एकरा जगाओ, एकरा उपयोग करबै, अइ के खर्च बढ़ रहा है तो बोल कि घटाए पर विधि उपयोग करो, आधुनिकीकरण के युग में हम एकरे लगा चल जाबे तो नहीं भेलै, और ऐसा अपन आर्थिक उन्नति करबे, जीवन निर्वाह के आधार तो आर्थिक उन्नति बिना जीवन आधार नहीं होते। तो ओइ के लागि कहै छी अखार 15 राधान दिवस, धान पर जागरूकता फैलेली, सबके आकर्षण करबै छी, सब कोई के जुटबै छी, जन भावना के आकर्षित कर रहल छी, तो वह तो है
संदेश बोलक कार्यक्रम तो है धान दिवस हम द्वारे कहलिए सर जे आई 15 अखार धान दिवस मनबे छी हम सब लेकिन अपने एकटा संबंधित क्षेत्र के प्रमुख छिए कृषि ज्ञान केन्द्र के प्रमुख छिए धनसा के आई धरि एखन हमरा सब कार्यक्रम में छिए कतेक धान रोपाई होते भ गेल अपने के बुझाइए नै आई धर धान रोपाई जे कहबै नै त संख्यात्मक डाटा के रूप में कहबै त कनी ओकरा मेजर करै में समस्या होतै एहि लागि कि जब अपना सबाई शुरुआते कर जा रहल छिए त एहि सब पहिले हमरा से पहिले कते लोग क लेलकै त ओ त कोनो कोनो जगह के स्थान विशेष के किसान के से अपन जे पानी होतै आ जकरा घर घराइसी अपन उपलब्धता छै तो वही कोई कंडीशन में मात्रे भ सके है उ परसेंटेज के हिसाब में कहबे तो लेस देन 1% है ना उ 0.5% भी भ सके है तो ओहन होते है। लेकिन मुख्य रूप से डाटा तो तब होइ छै जबकि 1% से ऊपर गेले कुछो कहलिए तो तब कने भेले तो आइ से बुझल जाओ कि रोपाई के आकर्षण बढ़ेबे एली सबके ध्यान केंद्रित के लिए तरह 0 से बुझल जाओ आज धान दिवस के अवसर में हम सब स्थलगत रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में गेल रहिए विज्ञ सबके कहब छलन जे एहि बेर मौसम विभाग जे पूर्वानुमान कयने से 10 दिन करीब लेट हेतै मनसून मतलब देर से अतै तो यदि मनसून 10 दिन देर से अलै तो बूढ़ बिया रोपतै नै यानी कि पुरान बिया रोपऽ पड़तै जे समय में नहीं हेतै से बिया आ वो यदि ओहन होइ छै तऽ 20-25% धान गत साल के तुलना में एहि बेर कमी अतै उत्पादन में 20-25% ई तो बड़का आंकड़ा भेल एकटा नै तो ई आंकड़ा देखल जाओ जब बुढ़वा बिया सब हे भ जेतै तब ना ई तो ठीक छै यील्ड डिपेंड ऑन टाइम ऑफ प्लांटिंग यील्ड डिपेंड ऑन प्लांट फिजिकल हेल्थ ई सब से डिपेंड करै एमे कोई डाउट नहीं कोई जे कहै छै ऊ सत्य बात है लेकिन सभे बुआ बिया की बुढ़वे भ जेतै सभे बिया की 15 दिन पहले ही गिर गेल है कते आदमी तो लगैनो नै हेतै ऊ ई तो नै ना है तो तै लका ई सभी किसान एके दिन खेत में बिया गिरा लेलकै एके दिन रोपि लेतै तब ई बात सत्य भ जेतै लेकिन हमरा अहाँ के व्यवहारिकता के कारण से व्यवहारिक कठिनाई कहियो सहजता कहियो अपॉर्चुनिटी कहियो चाहे जे जे कारण से कहियो ई व्यवहारिक नहीं भ सकै है कोई अगाड़ी गिरे नहीं कोई पछाड़ी के मिसमैचिंग छै सो विभिन्न डेट पर से बिया खसल है केकरो बिया तो यहाँ तक कि काल्हि तक खसबैत छलै तो ओकर तनी ना बुढ़वा भ जेतै आ दोसर कि मौसम के जे पूर्वानुमान है तो ओ देखबे करै छी हम अहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण से क्लाइमेट रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट भ गेल है बाली पैटर्न में इफेक्ट पड़ रहल है तो ओहि चीज के त हम अहाँ वैज्ञानिक परीक्षण के इनकार नहीं कर सकै छी लेकिन सभे बिया बुढ़वे नहीं भ जेतै कुछ चीज जे है अपना सबके ओहन से साउन में रोपाई खास के सरकारी हिसाब से सबके जे प्रयास के हिसाब से अखार में कैला के बादो भी आम दही खैला के बादो भी सब दिन से चल आयल है लेकिन मुख्य सीजन अपना सबके जे है जिला में कहबे हम अगर धनुषा जिला के बात करी समग्र देश के बात कहबे तो ठीक है अपना जगह पर लेकिन धनुषा जिला के बात कहबे तो एक्चुअल सीजन तो अपना सबके सावने में रोपाई हुई छे अखार के लास्ट से शुरू होइ छे और भर सावन चल जाही रोपने एखन आशावादी रही तब आशावादी रही आ तकर बाद की रह गेलै प्रकृति है प्रकृति में 10 दिन डिले भेलै रेनफॉल पैटर्न तो डिले तो भेले लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी भी कुछ कुछ आते नहीं कुछ कुछ तो हल्को हल्को आते तो किसानों सब भी मेहनत कर रहा है तेला का उतने जल्दी निराश नहीं भाजा कई क्षेत्र में सर विभिन्न सिंचाई आयोजना सब सेहो छे जना कमला सिंचाई आयोजना नहीं सिंचाई के व्यवस्था तो छे तो सिंचित क्षेत्र सब में क्या विलम्ब भ रहल छे रोपनी ये बड़े एकदम ठीक बात कह रही छी कि ए चीज पर लोग के नजरें नहीं जा रहा है एकटा किसान बरसात के वा कही बरसात के पानी के आशा करते हैं हाँ। दोसर ऑलरेडी सिंचाई छे एकदम बढ़िया बात कह लिए आगुए रोपनी होबे के चाहिए होबे के चाहिए बहुत ही सही बात समस्या अपना सब कोई अगर है जेकरा सिंचित क्षेत्र कहै छिए अपना सब के कुछ लोग कहबे पुरान पहले के नेतृत्व वर्ग सब सिंचित क्षेत्र के वर्गीकरण ठीक से नहीं कहने हम व्यक्तिगत रूप से ओहि में विरोध जनबै छी सिंचित क्षेत्र ओकरा कहियो जे कि पूरे किसान के अपना नियंत्रण में सिंचाई है लेकिन वर्षा पर निर्भर सिंचाई जना कि वर्षा भेले त नदी में पानी एले आ नदी में पानी एले त ओहि नदी के पानी से नहर में एले त कछि हमरा नहर के सिंचाई भेले है ना नहर में अपना पानी त नहीं है वर्षा पर निर्भर नहर छै त वर्षा भेले तबे भेले न त लेकिन बरसात भेले कमला में पानी नहीं सिंचाई होत तब पानी एले आ जब अगर वर्षा नहीं भेले त कमला में पानी नहीं एले कमला में पानी नहीं एले भरपूर त नहर में पानी नहीं एले तो एक से है
तखनका ओ मौसम पके निर्भर सिंचाई प्रणाली भ गेलै आखिर में सबके मौसम पर निर्भर हो तो मौसम पर निर्भर छै गेलै कुछ हद तक ला छै जे कि कंट्रोल जना ग्राउंड वाटर सब कहबै तो ग्राउंड वाटर कहबै तो महंगा पड़ जाय है किसान सब है ग्राउंड वाटर चला कर पंप सेट चला कर जे कहबै तो ओ तो बहुत ही मुश्किल भ जेतै ग्राउंड वाटर तो धान खेती के लागी तो फिजिबल सब है तो नहीं ना चला सकते तो ते लक करी जे कहै छी ने सिंचाई क्षेत्र है आ पछुआ के लागल वह कारण भ जाय छै आखिर में सब बराबर भ जाय छै तब हां तो ते लेकिन ओते किनको वर्षा भ जाय छै अइ जिला में नहीं भ का पहाड़ों में भ जाय छै तो धार नदी में पानी चल अबै है नदी के पानी चल अबै है तो उस सिंचाई क्षेत्र में आरो सूखा क्षेत्र से पहले पानी चल जाय है और नियमित पाइप जाय पानी किनको किनको पानी होत रहै त कंटिन्यूटी भ जाय छै ते ललके ओ क्षेत्र के धान सिंचित भ जाय छै आ वर्षा नहियो भेल पूरा तो वो क्षेत्र में भ जाए किनका किनका भेला पर दोसर क्षेत्र में नहीं हो सके ते लगे उसी सिंचिते फिर रह जाए लेकिन वर्षा के सपोर्ट चाहिए अई प्रदेश के आप तो प्रादेशिक संरचना में हमारा सब जी ये प्रदेश के मेरुदंड कहे उत्पादन के हिसाब से धान के लिए जा सके जी 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 मुख्य बाली छे धान जे घर घर में यूज होय छे भात नहीं खेबे तो हमारा सब कहते रहे छे ताकत नहीं लागल हां खेबे नहीं के लिए दिन रात चले छे हमरा सब के भात से एखन इंडिया के कतरनी चाउर हमरा सब के घर घर में चले छे ई अवस्था के लेल सर केना बुझाय अपने के ई अवस्था अपना सब के चले है ना तो एकटा एकर मतलब ई ना है कि अपना सब के खेत पड़ते रह गेल है खेत अहुआ के उपजते है मार्केटिंग सिस्टम ओपन भेले है ना जब ये बाजार के सिस्टम ओपन भेले है खुला बिक्री व्यवस्थापन जकरा मन जहां भेले तहां ल जाय के तो तई के कारण से अहुआ के उपज दोसर भर चल गए चल जाए छे आ जकरा बाजार खुला छे दोसर भर के चाउर आवे है तो लोग के ऊ मन पसंद चल जाए है तो तई लग के ऊ भ जाए छे लेकिन ये एकर अर्थ ई नहीं लगाएल जा कहते कि धनसो जिला में पूरे आयाते पर खा रहा है मतलब शेयर अवस्था नहीं है एक बार अहू के उपज है आ बहरो से आब रहा है आ ये से जाइयो रहा है तो वो मिक्स मैच में चल रहा है कि अपना स्तरीयता के हिसाब से उसे मार्केट धर रहा है हाँ मार्केट में वो सब स्टेबिलिटी ऐ लागे है कि अपना सबके प्रशोधन व्यवसाय जे कहबे वो आधुनिकरण नहीं भेल है मान लो अपना सबके तरफ चाहे धान उत्पादन कर लिए किसान जे खेत से आयल ये बड़का भारी गैपिंग छे ये शायद हमरा अहाँ सबके जल्दी ये चीज के उजागर कह के अइ ओर विकास के काम जो है हमारा सब गतिविधि जो है अपना सब कोई के हमहूँ सब चीज के पार्ट वही तरफ चलब पड़े जना कि धान के चाउर बनबै छियै अपना सब चाउर टूट जाय है हालर में चाउर कुटबै छियै अपना सब के तरफ अभी अभी हालरे सिस्टम चल रहा है बहुत कम सेलर चले है आ उ सेलरो जे है से पुराने मॉडल के सेलर सब चल रहा है इंडिया में देखै छी जे आबि गेल है कतरनी के लाके जे खखोर बटोर के चाउर के पातर ख दे है कतर कुतर के कहै छी कतरनी बात है ना तो ओहन ओकरा सब के चाउर टूटै नै है त एकटा भेले कि त टूट गेलै त चाउरो नुकसान भ गेलै क्वालिटीयो घट गेलै आर्थिक घटी लॉस भ गेलै आ गुण स्तर दुनू घटी भ गेलै त अपना सब के ओ प्रशोधन व्यवसाय में जेकर सुधार करबै त ओ चाउर के गुण स्तर भी बढ़िया भ जेतै और किसान के उत्पादन भी बढ़िया अगर 10% जे बचा लेलिए त नेशनल लेवल में त बहुते ज्यादा आमदनी भ गेलै बचत भ गेलै ने 10% धान के चाउर बढ़ि गेलै ने 100 kg से 110 kg भ गेलै त फायदे फायदा होतै त प्रशोधन के कारण से भी ई समस्या छै आप तो 3 सरकार छे अप्रोच छे तो उ यंत्र सब उ प्रविधि सब केला नै लबै छे अपने से नै नै त आप देखियौ धीरे धीरे भ जेतै ने अभी तो भखर सरकार सब है आ भखर ई बहुत जल्दी सभे के नजरों नै सब पहुंचल छले आ अभी मैले हमहु सब जे कहै छी अभी ये सब पर नजर गेलै कि एना भ केला रहल से अपना सब के चाउर टूट जाय है अपना सब के चाउर में मिलिंग प्रोसेस जे है से उ दुरुस्त नै भेला से पुराना मॉडल के भेला से एना भ रहल है त तै लगे मिलिंग प्रोसेस के आप सुधार करी मिलिंग प्रोसेस सुधार भ जेतै अभी सब जना हमरा सब जे कार्यक्रम में कई बार एहन छलफल भेलै कि नै आब अहू पर ध्यान जाय के चाही मिलिंग प्रोसेस अगर सुधार नै करतै तो ई खाली धाने लोग बेचे के बानी बना लेतै चाउर नै बनबा चाहते लोग लेकिन टूट जाय लम्बा लम्बा चाउर सब देखै छी अभी बाजार में है अपना सब के हालर में दियौ सीधे आधा पर टूट जेतै जब मैं खुदिए भ जेतै त कतऽ से हेतै क्वालिटी लोग सब के अभी बाहर से पैसा आबै है शौखीन इच्छा भेलै शौखीन चावल खाय चाहै है तै लक एना भ रहल है आप अपने सबसे प्रादेशिक सरकार के माथद में चल रही है जी अपने सबके एखन धर प्रदेश सरकार संगे भेल समन्वय सब वा कही अपने सबके जो योजना सब देने हेतै धान उत्पादन वृद्धि करे के लेल की योजना सबसे प्रदेश सरकार के जी जना प्रदेश सरकार अहू साल धान के यांत्रिकरण करे के लागी राइस ट्रांसप्लांटर मशीन में
75% तक ला अनुदान देव के कार्यविधि स्वीकृत कयने छै है ना। जैसा कि अभी के नया युवा सब के धान रोपाई में जे लेबर के समस्या होइ छै, रोपबाब में दिक्कत होइ छै, टाइम लगे है, तो मशीन से रोपाय त कनी जल्दी भ जेतै, लेबर के जे कमी होइ छै तो ओहू के पूर्ति भ जेतै, और नया पोस्ता के रोजगारी के भी सृजना होतै। एकटा मशीन पलकै कोइ त निश्चित है एक दिन के ओकर आमदनी बढ़ जेतै। हाथ से कोनो काम करतै त ओ कम काम करतै, आ मशीन से करतै ओहे व्यक्ति काम बेसी कर लेतै, तो ओकर आमदनी भी बढ़ जेतै, रोजगारी के भी सृजना होतै। एगो से भ गेलै। दोसर बात, यांत्रिकरण तरफ में सरकार अभी नीति तथा कार्यक्रम भी लेलकै है, जाहिमे कृषि यांत्रिकरण में जोर देबाक छै, यांत्रिकरण प्रवर्धन कार्यविधि लाइ देने है, जाहिमे 50% से लऽ कऽ 75% तक लऽ के अनुदान सबके छै ओहिमे व्यवस्था। तऽ ई सब तऽ सरकार के प्रयास हेबे करै, जेकि पहिले से अत्ते ज्यादा नहीं छलै, जते कि प्रदेश सरकार अभी लाइ देलकै है, आशा करै छियै एहि सबसे यांत्रिकरण में प्रयास सफल होते। एज अ कर्मचारी पहिने अपने सब संघ माथत रहिए, आ प्रदेश माथत छिए, ई स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार अयला के बाद विकास के गति तब हरेक सेक्टर में आगा बढ़ रहल छै, तब हम आशावादी छिए ई मामला में संघीयता कायम लागि रहल छै। तब जी हमरा सबके विचार में ई आवश्यक छै, एकरा बढ़िया सा सक्सेस बनाबी। अभी नवजात प्रदेश सरकार छै, नया शिशु स्टेज के कह पड़लै एकरा, तऽ शिशु स्टेज के सरकार है, एकरा मैचुरेशन में जब अयतै तकर बादे एकरा प्रतिफल भेटतै, प्रतिफल बुझेतै, लेकिन लोग मैचुरेशन से पहिले ही सब चीज खोजै लगतै तऽ शायद कनी जल्दीबाजी बेसी भऽ जेतै। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन सरोकार में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि शंकर प्रसाद शाहजी, कृषि ज्ञान केन्द्र धनसाक प्रमुख, हिनका संगे बातचीत भ रहल अछि। आजुक अखार 15 अर्थात धान दिवस के अवसर पर धान के उत्पादन केना के वृद्धि कयल जा सकैए, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार आ संघ सरकार ओहि सबके लेल की कर रहल छै आबत विषय में, एखन के लेल एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चली, तकर बाद फेर सँ उपस्थित होयब। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत अछि कार्यक्रम अपन सरोकार में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि कृषि ज्ञान केन्द्र धनसाक प्रमुख शंकर प्रसाद शाहजी, हिनका संगे अखार 15 आइ के दिन धान दिवस के अवसर पर धान उत्पादन कोना के वृद्धि कयल जाए, एखन प्रादेशिक स्थानीय संघीय तीनटा सरकार छै, तीनटा सरकार के एहिमे समन्वय केना के भऽ सकैए, आ धान उत्पादन वा कही धान में आत्मनिर्भर फिर से केना बनल जा सकैए, यावत विषय में बातचीत कर रहल छी। फिर से शुरुआत करब सर, अपने एकटा कृषि ज्ञान केन्द्र के प्रमुख छिए, धान में आत्मनिर्भर बनबे तेकर बाद विदेश पठेबे से कयल जाए कि आरो कोनो वैकल्पिक उपाय सब छै अपने लग, जाहिसँ नेपाल के धान उत्कृष्ट छै, एतऽ नीक जात के धान सब उत्पादन होइ छै, वा कही अन्य आर्थिक लाभ सेहो लेल जा सकैए, दोसर कोनो उपाय सेहो छै? जी, ई बहुते बढ़िया बात कहलियै, एहि पर हमरा सबके सोच बजाय जाय चाहिए, एहि विषय में गंभीर छल फल सब लेवल से, अहूँ सबके लेवल से, हमरो सबके लेवल से, और हमरा सबके ऊपर नीति निर्माता लेवल जो है ओहू में जरूरी है, मतलब तीनों लेवल में, ये तो सरकार भेलै तीन लेवल के, आ जनतो हमहू सब छी तीन लेवल में, एगो प्रत्यक्ष जनता के साथ रह वाला, हम सब वर्कर लेवल के, हमरा सबसे ऊपर के नीति निर्माता लेवल, तीनों लेवल में ई छल फल आवश्यक छै। जेना कि अपना सबके उपजनी कहियो धान के 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर से नीचे रह जाए है, ओतबो नहीं पहुँच सकै छी, 2-2.5 में रह जाए छी, तलामाथी भ रहल छी वही में, जबकि नेपाले के रिसर्च स्टेशन सब में 5 मेट्रिक टन तक लग के उपजनी प्राप्त कर चुकल है, रिपोर्टेड छै। तेकर बाद नेपाल से बाहर चलियो, चाइना जइयो, इंडिया जइयो, जगह जगह पर 6-10 तक लग पहुँच जाए है, ओते तक लग के उपजनी के क्षमता धान में जब प्राप्त भ रहल है, तो अपना सब छी एते नीचा, तो ई तो एगो बहुते बड़का गैप भेल ने, इहो गैप के अगर जे प्राप्त फुलफिल करू तो बहुते बड़का जंप मार सकै छी, यही अवसर। आ यही में देखियो तो अपना सब के चाही कि धान के विविधीकरण बहुते ज्यादा है, जातीय स्वभाव धान के अलग अलग है, अपना उपभोक्ता के खाए के स्वभाव अपन अपन छै, उद्योग इंडस्ट्री के
गुणस्तर अलग अलग है, प्रशोधन इंडस्ट्री के जो है ओकर स्वभाव अलग अलग है। तो अई चीज में नीति निर्माण में हम सब एगो गंभीर छलफल क के से डिसीजन लेना ही आवश्यक है। जेना कि हम धान उपजाबी कथी के लागे, आंतरिक उपजा उपजनी के खाद्यान्न के खपत के लागे, चाहे बुझू ना देश के आंतरिक खपत के लागे हम कौन स्टैंडर्ड के धान के प्रमोट करी और ओकर उपजनी कते तक ला संभव छे, तई लेवल तक ला धान उत्पादन करी आंतरिक खपत के लागे। तो वही के बाद उपजनी प्राप्त भ गेलै, बाकी जमीन जे रह गेलै हमरा सबके धान के एरिया, वही धान एरिया में कैला नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मांग के अनुसार के जाति के उपजाबी जे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लक जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब लक जाए छी तो ये निश्चित है कि क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही जगह पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़का प्रश्न है क्वालिटी के, क्वालिटी जी। आ क्वालिटी मेंटेन करे में हमू सब प्रयास करी, वही तरफ के कार्यक्रम तैयार करी, वही तरफ के जनता के जागरूकता लागी आ वही हिसाब से डिफाइन कर एरिया डिफाइन करके कि ई एरिया जो है से एक्सपोर्ट पर्पस के धान उत्पादन करे के जोन है और वही जोन में से वही एरिया में से एक्सपोर्ट क्वालिटी के धान उत्पादन करी और ओकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ल चली। तो कैल नहीं तो वो ओते भ सके है आ उ भ जाए है तो हमरा सब के गैप प्राप्ति और बाहरी आमदनी के रास्ता खुल सके है। एक अवसर ई देखा पड़ रहा है जैमे कि सर्वपक्षीय सोच छलफल के आवश्यकता है। मतलब 50 रुपया अपना सब चावल किन के खाए छे, हाँ अहिले एहन जात के धान उत्पादन करी जे विदेश में जाकर 500 रुपये किलो बिका सके, भ सके छे उ 500 दोसर जगह तीरा वाला तो कमे तीर दे। एक्सचेंज रेट जे है ना पैसा के, एक्सचेंज रेट सभी तो हमरा सके बहुत बड़का बेनिफिट मिल जाते, लाभ मिल जाते मान लो। वो संभावना छे, वो संभावना है। मतलब अरबियन कंट्री सब में तो सभे तो धान चाउर किनिए के खाई ना, तो कैला कि नहीं उहो मार्केट के अपनो सब मैन पावर तो पठेबते छे, चाउरो पठेबे तो की बिगड़ गए है। ओकरा सब के आवश्यकता देखो मार्केट केहन है, डिमांड केहन है आ वही क्वालिटी के धान, अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी के धान हम सब उत्पादन करी, आंतरिक खपत में मान लो ना जते खपत जाए खपत है वो एगो कहल कि चावल से कते पूर्ति करे के है डोमेस्टिक आंतरिक चावल से ओते उत्पादन करी, बाकी एक्सपोर्ट के लागी करी आ वही यील्ड गैप जे प्राप्त करनाई जरूरी भाई थी पहले कि जते यील्ड गैप छे घटी है, अगर हम वो यील्ड गैप के कारण सब है के खोज ले आ वो यील्ड गैप के पूरा करी तो कमे हाफे एरिया में से नेशनल आवश्यकता पूरा भ जते, तो बाकी हाफ एरिया के हम एक्सपोर्ट क्वालिटी में राख देबे तनी भले आमदनी तो बढ़ के अवसर छे, लेकिन वो कनी एक रति मेहनती है, एक रति तुरंत जे छलफल करे में जते आसान है प्राप्त करे में टाइम लगते। ये बात सब किसान सब के सुख बुझना आवश्यक है, अब किसान सब से बुझना जरूरी है, तीनों तह हम कह देले ना तीनों के बुझना जरूरी, तीनों के बुझना जरूरी है। लेकिन एखन जे धान बाली केंद्रित कार्यक्रम सब छै, अनुसंधान केंद्र सब छै, प्रशिक्षण केंद्र सब छै, ओमे किसान के बोला के यो बात सब शेयर करी बुझाबी से क्रियाकलाप एकदम कम देखल जा जरूरी है। जना कि एगो बात कहू धाने जे है त एकटा अपना सब के तरफ पहिने होय छलै अंडी धान जेकर कि चूरा होय छलै, दही देलक त तुरंत ओ चूरा गल गेल। जना कि रक्सी बनबै छियै, चाउर सब बहुत ही रक्सी में खर्च होइ छै है ना, तो जब हमरा रक्सी बना के फायदा होय वाला है मतलब इंडस्ट्री पर्पस में गेले नहीं वो जी जी, तो इंडस्ट्रियल पर्पस में गेले तो कौन चाउर उत्पादन करी जैमे कि बेसी हाई कार्बोहाइड्रेट वाला उत्पादन करब जैमे से रक्सी बढ़िया निकलते आ उ धान के खाली रक्सीए में जाते है ना, इंडस्ट्रियल पर्पस के भले ओहो से आमदनी भेल, ओ रक्सी पठा के लेबे आमदनी बिल्कुल दोसर कंट्री में तैयो भले आमदनी ने इंडस्ट्रियल पर्पस के, तो ई एगो पर्पस डिफाइन कर जे अगर हाँ उत्पादन में क्षेत्र में जाए छे तो एकटा हमरा ई बढ़िया अवसर व्यक्तिगत हमरा नजर में लाग रहा है जे कि छलफल के जरूरत है। जेकर बार चूरे उत्पादन कहबे तो सभे धान के चूरे बढ़िया तनी भ जाए छे, तो हम चूरे पर्पस के लागे कते उत्पादन करे जे कोनो जगह चूरे के जे बिक्री होय वाला होय तो हम केला ने चूरे बना के तो पठा दिए, सब धान के चूरा केला बजे बासमती धान के महंगा केला जब चूरा कुटाब कते ठेमा तो चूरे वाला धान रख देवे ना, तो अ ढंग से मतलब ये उद्देश्य मूलक हिसाब से जे डिफाइन करी आ नीतिगत रूप से फाइनल क के अहू में कहली ना तीनों लेवल से क के तब ओमे चली, तो एकटा ने ई अवसर सेहो देख रहा छी धान में फायदा लेब के। अपना सब के युवा सब विदेश जा रहा छै धमाधम, आब युवा जनशक्ति नहीं छै त जे मेहनत करे परिश्रम करे एहन गर्मी में खेत में काम करे जैसे जे महिला सब छै बूढ़ पुरान सब छथिन,
यांत्रिकीकरण के बात करी छे, नया प्रविधि सब केना लेबे से बात करी छे, लेकिन वो प्रविधि के यूज करा वाला वो यंत्र सब के यूज करे के लिए तो फिर युवा शक्ति चाहिए जे कनी पढ़ल लिखल होय, ई मशीन केना चलते से जानकारी होबे के चाहिए। कतेक बुझाव से रहल छी त युवा सब बड़ी कठिन भ रहल है। विदेश में जाके बड़का बड़का टावर में लटक के स्कैफोल्डर के काम करे छी, अपन खेत में काम कर सब हिचकिचाई छी। देखियो की भ गेल है, समय एतेक ज्यादा बदल गेल है, मोबाइल में लटकल रहते लोग लेकिन खेत में नहीं जाते, ई एगो देखै छी भ गेल है। तो एकरा यांत्रिकरण से जे कहली है, तो यांत्रिकरण एगो आकर्षण है, एकटा अवसर छै। अवसर खाली उत्पादन के नहीं, रोजगारी के भी अवसर छै। जेना कि एगो आसाम के क्षेत्र में कहबै, ई धाने में कहबै, तो राइस ट्रांसप्लांटर के प्रयोग क के युवा सब रोजगारी के अवसर सृजना कलक। जेना हम कृपया कही अगर टाइम अपने सबके हो, कि युवा सब की करे है कि राइस ट्रांसप्लांटर मशीन रखने है, वो दूगो चार गो किसान सबसे पूछ रही कि अहाँ के कौन धान रोपक के है या कहिया रोपक के है, तो उकर टाइम पूछ लेल के, तो वो डेट दिल के, वही डेट के हिसाब से मैचिंग हुए वाला मैचुरेशन जिस दिन बिया के रहती भ गेल ओकर, ते हिसाब से वो ट्रे में बिया गिरा दे है। ट्रे में बिया गिरा दे है, ट्रे ओकरा तो रह जाए चोरी में हरे जोता नहीं जाए पड़े। ट्रे तो मचान मचान बना के धो दिल के, कनिक जमीन में बहुते ट्रे अट गए है ना, आ बहुते बिया भ गए, वो बिया भी बच गए घर में आरामदायी भ गए, वो बिया ट्रांसप्लांटर मशीन पर धरे है और जाकर खेत रोपे, वो अपने खेत के कादो कर तैयार कर देते, वो जाकर रोप पैले, ओकरा अपन पैसा के पैसा मिल गए, रोजगारी के अवसर भ गए, किसान भी आरामदायी भ गए कि ओकरा लेबर खोज के बिया गिरब के टेंशन नहीं रहले। तो ई तो एगो रोजगारी सृजना भी कहियो और खेती के सहजीकरण भी कहियो, तो ई अवसर छै। लेकिन की है, ई एगो शैक्षिक गतिविधि में हमरा सबके प्रवेश करम पड़े है नया तरीका से, आ नया तरीका से शैक्षिक गतिविधि में प्रवेश करे में जेहने स्कूल में हम अहाँ बच्चा स्टेज में पेंसिल तोड़िए है, बहुते चक डस्टर बिगड़े, पेन टूटे, कापी फटे, आ फिर भी नहीं लिख सके, फिर भी नहीं लोग पढ़ सके, बहुते आदमी वही अवस्था में है। हम सब बहुते के समझाबे छी ई चीज के, लेकिन लोग उत्साहित नहीं भ रहा है, कनिका टाइम लगते, लेकिन आते ही समय। अपने सब ओहन यंत्र सब जी कतेक एखन बाँट वाला छी, वा अनुदान में वा विभिन्न प्रक्रिया पूरा कर कतेक देबे वाला छी, हमरा सब इच्छुक कते सतिन लेब, हमरा सब के कहबै त राइस ट्रांसप्लांटर जना अही साल के कहो कृषि ज्ञान केंद्र धनसा के स्वीकृत कार्यक्रम से 5 गो राइस ट्रांसप्लांटर हमरा सब के वितरण करा के 5 गो 75% अनुदान में कार्यक्रम छै। हमरा पास 11 आदमी किसान के निवेदन आयल छलै, और हमरा इस समय के देखैत हम किसान के नाम नहीं लिख के ककरो हटेलिए, हम 11 आदमी के नाम साइड देने छी सूचना पार्टी में सेलेक्टेड में, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस, जे पहले एते ओकरे देबे ओकरे देबे, कल कोई नहीं कहे कि हमरा नहीं देलके, तू ही आबा पहले, तू ही लाजा जे कोई लाजा बस से पहले 5 आदमी जे एते उनके पहले के 5 आदमी जे एले से लगा चले गेले। लेकिन ओहू में लोग से पहले बहुत एगो आबे सर हमरा देब त हमरा देब, आ जब हम ओकरा नामावली प्रकाशित कर देलिए, तो प्रकाशित कर देला के बाद आदमी सब जाए ही बुझ ले है, एक्चुअली अभी तक मालूम है सप्लायर लगन से एक आदमी सर कहल के से हमरा देवे करू ट्रे हमरा दे दू जा हम बिया गिरब, तो अवस्था है। मतलब कि है, ये स्वाभाविक बात है, इकरा कोनो दर्दनाक अवस्था में हम तुरंत वर्गीकरण नहीं कली, अ लागी कि कोनो भी नया प्रविधि के एडॉप्ट कर के स्टेज में हम सब एक्सटेंशन में पढ़ने छी, बात सब कहने लगे सब हतोत्साहित नहीं होके होइ छै, एडॉप्शन रेट एहने होइ छै, उ धीरे से लोग के एक्सरसाइज करते डराते, वो एक आदमी के कोई देख लेते, तेकर बाद लोग कहते कि हाँ रो ठीक भ रहा है चल हमहू करे छी, लेकिन उ कह लेते कि तब जति करा पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, पहले लोग एक्सपेरिमेंट के पात्र नहीं बना चाहे छे, उ तै ल के एना भ रहा है। हम तो चाहे छी कि एको आदमी ल जेते तो दोसर आदमी सीख लेते, दोसर आदमी से सीख लेते, लोग प्रयास करते। अपने सब ओहन यंत्र सब के एक्सपेरिमेंट क के देखा के लान दीजिए, कतौ कतौ परीक्षण करके कर देखियो यहाँ नहीं तो ये चीज सब तो बेला चापी फार्म में सेहो छै, हरदीनाथ फार्म में सेहो छै, ओहिठमा तो लोग सब देखे ही कतेक आदमी जाकर, लेकिन वह है कि एकेटा पेन लग के ककरो राइटिंग खूब निमन होइ छै आ ककरो राइटिंग नहीं निमन होइ छै, तो पेन खराब भ गेलै कि आदमी के राइटिंग खराब है, तो तेहने वह मशीन है। कोनो जगह लोग एक्सपीरियंस आदमी छे प्रैक्टिस भ गेल है तो वो आदमी निमन से रोपाई कर लेते, तो ओकरा लागि निमन भ गेल वही मशीन, आ सीखा वाला स्टेज में आदमी डिस्करेज भ जाइ छै, किनका निमन नहीं भेलै तो तुरंत मनोबल गिर जाइ छै, नहीं निमन भेलै
धैर्यतासँ जे करिते रहतै तऽ हाथ प्रैक्टिस भऽ जेतै तब तऽ निम्ने होतै. हइ बेलोचापी फार्ममे छै, हरदियोनाथ फार्ममे छै ई मशीन सब. परम्परागत कृषि जे प्रणाली छै अपना सबके धान उत्पादन करैके एकटा शैली, जी ओकरा केना आब अन्त करबै, की योजना अपने सब? आब अखनी देखियौ अन्त तऽ तुरन्ते नहि सोचू, ई कनि बेसी बड़का भारी काम भऽ जेतै. प्रैक्टिसके धीरे धीरे शिफ्ट करैत चलऽ पड़ै हइ, आओर ओ जब आदमीके व्यवहारिकतामे जब आबि जाइ ने तऽ ओ अपने मने शिफ्ट होइ लगै हइ. जेनाकि 20 बरस पहिले कते गोरा मोबाइल चलबै छलियै, नहि चलबै छलियै, आओर अखनी हाथ हाथमे मोबाइल चलै हइ. जकरा पढ़ल लिखल नहि अबै छै सेहो चला लै हइ. कै लागि? ओ युगके माँग अयलै आओर आदमीके ओ जरूरतमे अयलै, ओहि प्रति आकर्षित आकर्षित भेलै, बस अपने लोक चलबऽ लगलै. तऽ तेहने ओहो भऽ जेतै जब ओ व्यवहारिकता जब स्थापित भऽ जेतै समाजमे, जरूरतमे स्थापित भऽ जेतै तऽ ओ पूरा होइ लगतै. ओहिना भऽ जेतै जेनाकि पहिले देखू ने, रेडियो सब कोइ सुनै छलैए, रेडियो सुनै छलै घर घरमे, दहेजमे मङ्गै छलै घड़ी साइकिल रेडियो, आब कतौ सुनै छियै? जहिआसँ ई कम्प्यूटरके युग अयलै तऽ लगभग विस्थापित भऽ गेलै. ओ विस्थापित भऽ जाइ युग अपने मने का दै हइ, ओ कि आदमीके नहि करऽ पड़ै हइ, अपने भऽ जाइत ओ. ओहन आमूल परिवर्तन करैवला कार्यक्रम सब अखन तत्काले नहि अपने सब? नहि, प्रयासमे छै ने, धीरे धीरे जे होतै. ई परिवर्तन जे हइ एग्रीकल्चर सेक्टरके से ई तुरन्ते नहि भऽ जाइवला हइ, ई धीरे धीरे टाइम लेतै. शैक्षिक गतिविधि आओर खेतमे करैवला, प्रैक्टिसमे करैवला लार्ज एरिया हइ ने, तऽ ओहि लऽ कऽ लोकके कनिका टाइम लगतै, बुझैत बुझैत करैत करैत करतै, लेकिन होतै आशा करू. कम समय छै सर, अपने खुलि कऽ जवाब नहि दऽ सकबै इस प्रश्नके. जी कहल जाउ ने. किसान सबके उपराग छै जे प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एखन धरि जे करै छै कर रहल छै, स्थानीय सरकार जे जनताके किसानके सबसँ नजदीकके सरकार होइ छै, ओकरा नाला बनबसँ, सड़क बनबसँ फुर्सत नहि छै. कृषि मुखी स्थानीय सरकार होबऽ नहि सकलै से किसान सबके आरोप छै. मतलब नाला बनबऽके बात रहतै तब, आ एकटा किसानके प्रशिक्षण देबऽके बात रहतै तब, हम कतऽ बजट छुट्टी आबि जब पूछल जाए तऽ वार्ड अध्यक्ष कहतै हमरा नाला बनाबऽके छै. ई उपराग छै किसान सबके. अपने सब फील्डमे सेहो काज करै छियै, सबसँ नजदीकके सरकार भऽ कऽ सबसँ दूरी केला छै बना लेने स्थानीय सरकार, केहन कोऑर्डिनेशन करी अपने सबसँ? नहि, हमरा सबसँ तऽ ओनाही जखन भेटल तखनि बड़ बढ़िआँ सर जेना कहबै साथे साथे चलबै काम करबै, लेकिन कार्यगत सहकार जे नहि भऽ सकि रहल हइ. मतलब यथार्थ छै, यथार्थ व्यवहारमे नहि भऽ सकि रहल हइ. लेकिन आब हमसब ओहि उपरागके समर्थन जे हइ कहबै तऽ कनि हमरा सबके अपने सबके सामने मीडियामे करनाइ उचित नहि होतै, ई बात कहनाइ. आब अपन अपन प्राथमिकता होतै हुनकर, कि कोनमे प्राथमिकता दी आ कोनमे प्राथमिकता नहि दी, तऽ ओहो तऽ कोनो जनतेके लागि करैत होतै. तऽ हम ओहिमे उपरागके पक्षमे यस आ नो कहनाइ कनि उचित नहि होतै, मीडियाके सामने बजनाइ दोसर. लेकिन विकासेके बात ई चीज जे हइ से ई चीज स्थानीय तहके हुनके सबसँ पुछबै तऽ वास्तविकता अयतै कि कथी लागि प्राथमिकता कोनमे छलै कोनमे गेलै, तऽ हुनकर प्राथमिकतासँ अनुसार ने काम करे होतै. लेकिन स्थानीय सरकारके किसान सबसँ कनिक नजदीक होबऽके चाही, नजदीक होबऽके चाही. एहिमे तऽ सब कोइ कहतै जे अगर छी तकरासँ नजदीक रहियौ, जे समाजमे सँ आयल छी सबसँ लगमे छी तऽ सबसँ नजदीक, सबसँ नजदीक छी. आ एहनो कहबै तऽ संविधानोके तहत स्थानीय सरकारेके से कृषि प्रसारके, शैक्षिक गतिविधिके संचालन नियन्त्रणके अधिकार स्थानीय सूचीमे स्थानीय सरकारेमे छै. ई शैक्षिक गतिविधिके बारेमे जे कहलियै, ई यंत्र उपकरण देखबऽके, बता देबऽके, देखा दिएके, ई सब भेलै शैक्षिक गतिविधि. ई हुनके दायरामे पड़बो करै हइ, हुनके सबके अधिकार क्षेत्रमे पड़ै हइ ने. संविधान तहत स्थानीय तहके हइ कृषि प्रसारके संचालन नियन्त्रण, मतलब शैक्षिक गतिविधि सब हइ. प्रदेश सरकारके हइ विकासी गतिविधि सब हइ, आओर केन्द्र सरकारके हइ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आओर बॉर्डरसँ जे हइ क्रॉस बॉर्डरसँ जे क्वारेन्टाइन सब जाइ छै, पेस्टिसाइड जे हइ अन्तर्राष्ट्रीय कानूनसँ जोड़ऽके, नेशनल कानूनसँ जोड़ऽके, अन्तर प्रदेश जोड़ऽके, ई सब छै. ई तऽ बाँटले बात हइ ओहिमे, तऽ ओ तऽ हुनके पड़बो करै हइ ओहू दायरामे हुनकेमे. लेकिन आब ओहि चीजके समर्थन आ विरोध करनाइ हमरा सबके लेवलमे नहि पुगलै हल. आब कार्यक्रमके अन्तिम छी, समग्रमे अन्तिममे, जी गत सालके जे एकटा कहै जे समयमे बरसात भऽ गेलै आ धान उत्पादनमे सेहो व्यापक सुधार भेलै, 9% धान उत्पादनमे वृद्धि भेलै. एहिबेरके छाँटकाँट देखलासँ मौसमके, एखन धरिके किसान सबके क्रियाकलापके, गर्मीके, ई सबके देखलासँ एहिबेर स्वाभाविक छै धान उत्पादन कम हेतै कि की हेतै? ई मौसमके देखलासँ तऽ ओहने लागि रहल हइ, हालाँकि मौसम विज्ञान विभाग सब जे रिपोर्टिंग कऽ रहल हइ तऽ ओ एगो वैज्ञानिक तथ्यपर रिपोर्टिंग कऽ रहल हइ, ओहिके इनकारो नहि करऽ सकै छी, हम शुरुओसँ कहै छी. तथापि रहि गेलै कि आब जे अपना सबके प्रयास जे हइ, जब ई जानि गेल छियै
कि ई अवसर आबे वाला है, ई संभावना है, तो जखने मौका आवे है तखनी ओ मौका के पकड़ ली। बीच बीच में फाटा फुटा जब कहूँ पानी पड़े है तो उखरो नहीं छोड़ी से संदेश सब कोई के दल जाए, अन्यथा सबको पछुआ जब है ना, कुछ कुछ रहती पछुआल से आ सभी को पछुआ जब से तो कने बेसी नुकसान होते है, आ कम रहती पछुआल तो कम नुकसान होते, क्षति न्यूनीकरण के ओर प्रयास करी से संदेश दिए सबके जैसे कि क्षति कम हो। खाद के आपूर्ति एक बार केहन हेतु सर अपने सबके विचार में? तो आब संघीय सरकार द्वारा टेंडर हो संघीय सरकार के टेंडर प्रक्रिया और आपूर्ति प्रक्रिया पर निर्भर करे है, ते लगा अखने जे हम सब कोनो बात कह दिए तो कनिका हमरा सबके लेवल से नहीं पुगि रहे बात, अ लागी कि संघीय सरकार के अंतर्गत रहल छे कृषि सामग्री कंपनी आ राष्ट्रीय बीउपजन कंपनी, वो हमरा सबके जानकारी भेल अनुसार दोनों कंपनी साउन से नया आर्थिक वर्ष से मर्ज हो जा रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है, आ ज्वाइनिंग भेला के बाद ओकरा सबके कार्यविधि भी बदलते, तो कुछ उस समय में मिसमैचिंग भ सकैया कहीं आयात में इम्पोर्ट करा में, अगर जो प्रक्रिया अगाड़ी कहीं नहीं हो या फास्ट नहीं जो करा सके अर्ली तो वही मर्जर के कारण लग मर्ज प्रक्रिया यदि सरल आ जल्दी सुनने हाँ, भले तो कहीं वही लग का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सके या कि से भ सके या, लेकिन फिर भी ये चीज तो पहले से मालूम है, एक पूर्व तैयारी तो पहले से कर लेते, पूर्व तैयारी अगर कर लगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ते, आ नहीं करा सकल के पूर्व तैयारी तो इफेक्ट पड़ देते, अर्थात धान दिवस अखाड़ 15 अहिना मनबित रही आ यांत्रिकीकरण नया नया प्रविधि नहीं आ मेहनत करब में लगनशील रहे यांत्रिकरण के प्रयोग करी, यांत्रिकरण के सहजीकरण करी, प्रविधि के प्रयोग करी, ये सब को यह संदेश दी, उत्पादन वृद्धि हेतु किसान के जय हेतु जी सबके जय। फिर अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से अपने के अपने के टीवी परिवार के भी धन्यवाद से। दर्शकबिंद आजुक अखार 15 अर्थात धान दिवस के दिन कार्यक्रम अपन सरोकार में बातचीत भेल शंकर प्रसाद शाह कृषि ज्ञान केन्द्र धमसाक प्रमुख हिनका संगे, जे धान उत्पादन के केना के वृद्धि कयल जाए, आत्मनिर्भर जे हम अहाँ रही धान पर वो फिर से केना के आत्मनिर्भर बनी, अपना सबके जे उत्पादन छे उत्कृष्ट छे एकरा केना के बाजारीकरण कयल जा सकैए, यावत विषय में धान दिवस पर केन्द्रित भ के धान के संदर्भ में बातचीत भेल। अहिना प्रत्येक एपिसोड में विभिन्न अतिथिक संग उपस्थित होइत रहब। आजुक कार्यक्रम के निर्धारित समय सम्पन्न भेल, एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब, नमस्कार।